लोकसभा चुनाव 2024 में अब बस कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी मिशन 2024 में लग गई है, वहीं अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है। जी हाँ, इसी को लेकर नीतीश कुमार ने सोमवार को जदयू के मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ, प्रभारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है। बताएंगे कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्या है वो मास्टर प्लान जिसे नीतीश कुमार 2024 में बीजेपी के खिलाफ यूज करने वाले हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। नीतीश कुमार अब पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ गए हैं। नीतीश कुमार ने विधानसभा प्रभारी की टीम को सोमवार को भंग कर दिया। जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या के आधार पर प्रभारियों की टीम का ऐलान होगा, इसलिए उन्होंने टीम को भंग कर दिया है। बता दें कि प्रत्येक जिले में एक से अधिक प्रभारी रहेंगे। इससे पहले हर एक जिले में सिर्फ एक प्रभारी हुआ करते थे। बैठक में तय हुआ है कि केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जेडीयू और अधिक आक्रामक होगी। जदयू की बैठक में यह तय हुआ है कि अब पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर सरकार की कामों को आम जनों को बताएंगे। जदयू के नेता और कार्यकर्ता टोलियों में गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार की विफलता को लोगों के सामने उजागर करेंगे। लोगों के बीच बुकलेट का वितरण करेंगे जिसमें बिहार सरकार के काम की जानकारी रहेगी। वहीं गरीब के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जमीनी हकीकत आम लोगों को बताई जाएगी। सीएम हाउस में हुई बैठक में यह तय किया गया है कि नीतीश कुमार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग, महादलित और महिलाओं के लिए किए गए काम और महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा भी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों के बीच करेंगे। बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने पार्टी के नेताओं को पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ बैठक में नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द ही 20 सूत्री कमेटी का गठन किया जाएगा। विधानसभा प्रभारी की अब जरूरत नहीं है, जिले स्तर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। जिले स्तर पर प्रभारियों का मनोनयन होगा। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार के कामकाज का प्रचार करने का आदेश नीतीश कुमार ने दिया है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार सोमवार को बैठक के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे। इस दौरान विपक्षी एकता, लोकसभा चुनाव 2024 और इंडिया गठबंधन का दायरा बढ़ाने को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 काफी नजदीक है, कुछ ही महीनों का बस वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां जो है एक्शन मोड में नजर आ गई है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं वह अपनी पार्टी को भी मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने 23 तारीख को भी एक बैठक बुलाई थी, उसके बाद 25 तारीख को भी उन्होंने प्रभारी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने नेता प्रभारी सभी को यह निर्देश दिया है कि आप जो है वह चुनावी मोड में आ जाइए। जब आप हर जिले गांव-गांव में जाकर केंद्र सरकार की जो विफलता है वह लोगों को बताइए और राज्य सरकार द्वारा जो भी अति पिछड़ा महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है उसकी जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचाइए। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे इस वीडियो पर बताइएगा ज़रूर। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।